ओके, डे लाइट नेचुरल लाइट में मैं फिल्म कर रही हूँ. थोड़ा सा बेयर विथ मी विद द सेटिंग्स, क्योंकि मैं इस वक्त घर पे हूँ, भोपाल में हूँ. ओके, द फर्स्ट थिंग दैट आई हैव ऑलरेडी डन इज टू कर्ल ऑल ऑफ माय हेयर. मेरे बालों में कर्ल्स इतने लास्ट नहीं करते, बट थोड़े थोड़े खुल जाएंगे तो वो शायद अच्छे लगे. आज ही मैंने बाल धोए थे, कल बाल धो के आज कल करती तो वो ज्यादा अच्छा दिखता, क्योंकि मेरे फ्रिजी हेयर है. इसके बाद के सारे स्टेप्स मैं वॉइस ओवर फॉर्मेट में करूंगी, ताकि मैं जल्दी जल्दी मेकअप कर सकूँ. पहला काम तो मैं ये कर रही हूँ कि जो नेल मेरे चिप हो गए हैं उसके ऊपर मैं दूसरा नेल पेंट कलर अप्लाई कर रही हूँ. दिस इज बाय शैम्बो, इट्स अ मॉफ पिंक कलर. इसका एग्जैक्ट नेम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी. एंड देन टू प्रेप माय लिप्स आई अप्लाइड लिप इंजेक्शन लिप ग्लॉस बाय बेनिफिट. मैं जल्दी से हाथ धो के आई, क्योंकि हम लोग मेकअप करने वाले हैं. आई अप्लाइड सिलिकॉन बेस्ड मैटिफाइंग पोर फिलिंग प्राइमर, दिस इज बाय नायका. टी जोन पे ज्यादा फोकस कर रही हूँ मैं, बिकॉज आई हैव एक्सट्रीमली ऑयली टी जोन एरिया एंड दिस इज गोना मेक माय मेकअप लास्ट लॉन्ग. फिर मैं ऑरेंज कलर करेक्टर का यूज करूंगी. आई एम गोना गो फॉर फुल ग्लैम हाई कवरेज बेस, और ये एक पार्टी मेकअप लुक है, तो इसलिए मैं अच्छे से कलर करेक्ट कर रही हूँ जहां जहां एक्ने मार्क्स हैं, जो कि हैं, अब हैं तो हैं, क्या कर सकते हैं, चले जाएंगे धीरे धीरे करके. उसको भी मैं करेक्ट कर रही हूँ, क्योंकि वो ना थोड़े डार्क हो चुके हैं, पिगमेंटेड हो चुके हैं इसकी वजह से. कैंसिल आउट द हल्का सा डार्कनेस अंडर माई आईज, मैंने अंडर आई पे भी कलर करेक्टर यूज किया. फिर फिंगर्स की मदद से सब कुछ ब्लेंड किया मैंने. उसको हम लोग सेट भी करेंगे, जिसके लिए मैं यूज करने वाली हूँ लूज पाउडर. दिस इज अ ट्रिक विच आई हैव बीन डूइंग एंड इट वर्क्स. यू नो, आप जब फाउंडेशन कंसीलर अप्लाई करते हो तो इट डज नॉट टर्न ऑरेंज. एंड देन आई एम गोना बी वेटिंग फॉर 2 मिनट्स एंड देन आई एम गोना बी यूजिंग मेबेलिन एज डिवाइन कंसीलर इन द शेड कैरेमल अंडर माई आईज एंड आउटर कॉर्नर ऑफ माई आईज. और मैं ब्लेंड कर रही हूँ विद द हेल्प ऑफ माई कंसीलर ब्रश. आईलिड के ऊपर अप्लाई नहीं किया, क्योंकि जो भी प्रोडक्ट बच जाएगा ना मेरे ब्रश में, उसी की मदद से आईलिड पे भी अप्लाई कर दूंगी मैं उसको. फिर मैंने लिप्स के आसपास जहाँ कलर करेक्ट किया था उसके ऊपर मैंने कंसीलर अप्लाई किया एंड इसको मैं तुरंत ब्लेंड कर दूंगी विद द हेल्प ऑफ माई कंसीलर ब्रश अगेन. अभी मैं फाउंडेशन अप्लाई नहीं करूंगी, जब मैं पूरा आई मेकअप कर लूंगी ना उसके बाद में फाउंडेशन अप्लाई करूंगी. मैंने एक लाइट मैट क्रीम कलर का आई शेडो लिया, उसको मैंने अपने पूरे आईलिड पे अप्लाई किया जस्ट टू सेट द कंसीलर. देन टेकिंग अ ब्लैक कोल्ड काजल, यू नो टेक अ काजल जो कि एकदम इजिली सेट ना हो जाए, एंड गोइंग टू अप्लाई इट वेरी क्लोज टू माई लैश लाइन. और इससे पहले कि काजल सेट हो जाए, मैं रिंग फिंगर की मदद से एजेस को ब्लेंड करूंगी, स्मच करूंगी टुवर्ड्स द आईलिड. उसके बाद एक छोटे से डेंस ब्रश में मैंने मैट ब्राउन आई शेडो लिया, उसको मैं पैट करूंगी ऑल ओवर माई आईलिड. शुरू किया मैंने जहां पे मैंने काजल स्मच किया था वहां से, फिर धीरे धीरे इसको मैंने पैट करना शुरू किया टुवर्ड्स द क्रीज लाइन. अब जो हार्श एजेस है ना इसके, इसको ब्लेंड करने के लिए मैं एक मैट मॉफ पिंक आई शेडो लूंगी इन अ फ्लफी ब्रश एंड गोइंग टू ब्लेंड द क्रीज लाइन. क्रीज लाइन को ब्लेंड करने के साथ साथ मैं साइड में ना कॉर्नर ऑफ माई आईज पे हल्का सा फ्लिक कर रही हूँ टू क्रिएट अ वी शेप. फिर मैं वही छोटे से डेंस ब्रश में मैट मरून आई शेडो लूंगी एंड आई गोइंग टू अप्लाई दिस ऑल ओवर माई आईलिड. क्योंकि मैं लोअर लैश लाइन पे सेम कलर अप्लाई करूंगी, आई वॉन्ट हिंट ऑफ मरून ऑन माई आईलिड एज वेल, इसलिए मैंने ये वाला कलर पिक किया. अब एक फ्लैट स्मजर ब्रश में मैं पिक कर रही हूँ वही मैट मरून आई शेडो और अप्लाइंग दैट ऑल ओवर माई लोअर लैश लाइन, काइंड ऑफ कॉन्टोरिंग माई लोअर लैश लाइन. थोड़ा सा गड़बड़ भी हो जाना अप्लाई करते करते तो चलेगा, क्योंकि अभी हम लोग हाईलाइट कलर अप्लाई करेंगे, फाउंडेशन अप्लाई करेंगे, तो करेक्शन करने के चांसेस अभी भी है. मैंने अपना काजल फिर से पिक किया, अप्लाई दैट वेरी क्लोज टू माई लैश लाइन एज अ आई लाइनर. अभी इसको मैं स्मच नहीं करूंगी, मेकिंग श्योर बोथ द आईज आर लुकिंग इवन. फाउंडेशन के लिए मैं यूज कर रही हूँ स्मैश बॉक्स का ऑलवेज ऑन फाउंडेशन इन द शेड M20W. इट्स अ गुड मैच फॉर माई स्किन, इट डज नॉट ऑक्सीडाइज, दैट्स अ गुड थिंग, और कवरेज भी काफी ज्यादा अच्छा देता है ये. इट्स अ हाइड्रेटिंग फाउंडेशन. मैंने फोरहेड पे ज्यादा फाउंडेशन अप्लाई नहीं किया, बिकॉज आई हैव अ डार्कर फोरहेड, सो ऑलरेडी नेचुरल कॉन्टोर्ड है मेरा फोरहेड. एनीवे, फाउंडेशन को ब्लेंड करने के लिए मैं यूज कर रही हूँ मेरा फाउंडेशन ब्रश. लोग देख सकते हो कितना सही कवरेज दे रहा है मुझे ये फाउंडेशन, इट ब्लेंड्स लाइक अ ड्रीम. नेक में भी फाउंडेशन अप्लाई किया मैंने, ड्रैग किया प्रोडक्ट को टुवर्ड्स द नेक लाइन, नोज के आसपास. उसके बाद फोरहेड पर जो भी फाउंडेशन अप्लाई किया था उसको मैंने ब्लेंड किया. फिर मैंने अपने आई शेडोज को भी करेक्ट किया, मुझे हल्का सा आउटर वी चाहिए था. एंड देन आई एम गोना बी यूजिंग अ हाइलाइटिंग कंसीलर शेड, दिस इज मेबेलिन फिट मी कंसीलर इन द शेड 25. इनर कॉर्नर आउटर कॉर्नर पे अप्लाई करके अपनी कंसीलर ब्रश की मदद से उसे ब्लेंड किया. जब भी ऐसे डीप स्मोकी आईज करो, व्हेन यू हाईलाइट आपका स्मोकी आईज बहुत अच्छे से निखर के आता है. बिफोर सेटिंग माई फेस आई बी यूजिंग क्रीम ब्लशेस, दिस इज विंटेज रोज. ये पहला शेड मैं यूज कर रही हूँ, अप्लाइंग दैट ऑन द चीक बोन एरिया, ऑन माई नोज एंड ऑल्सो ऑन द चिन. एंड देन ऑन द सेंटर ऑफ माई फेस, दैट इज ऑन द एपल्स ऑफ माई चीक्स, आई बी अप्लाइंग अनदर शेड, दिस इज कॉल्ड पिंक शिफॉन. फिर मैं उन्हें ब्लेंड करना शुरू करूंगी विद द हेल्प ऑफ माई ब्लश ब्रश. दीज ब्लशेस ब्लेंड लाइक अ ड्रीम. मुझे चीक्स पे ना हल्का सा बारबी पिंक कलर इफेक्ट चाहिए था, इसलिए मैंने दो डिफरेंट शेड के ब्लशेस यूज किए. मैंने सेट भी डिफरेंट टोन के ब्लशेस से करने वाली हूँ. बिफोर सेटिंग अंडर माई आईज आई एम गोइंग विद माई कंसीलर ब्रश टू अवॉइड एनी सॉर्ट ऑफ क्रीसिंग. उसके बाद एक छोटे से पाउडर ब्रश की मदद से आई एम गोना यूज ट्रांसलूसेंट पाउडर एंड गोइंग टू सेट अंडर माई आईज. यू कैन सी द डिफरेंस कि सेट करने से कितना स्मूथ दिख रहा है. दिस टेक्निक ऑलवेज वर्क, आपको कोई फाइन लाइन और क्रीसिंग नहीं दिखेगी अंडर आईज पे. उसके बाद आई एम गोना सेट माई टी जोन एरिया, नोज के आसपास का एरिया, अराउंड माई लिप्स एंड बिलो द ब्लश लाइन. अब मैं अपने ब्लश को सेट करूंगी पाउडर ब्रश से. सबसे पहले मैंने यूज किया कलर ब्रॉन्जिंग ग्लेज, गोइंग टू अप्लाई दैट ऑन माई चीक बोन एरिया जहां पे मैंने विंटेज रोज ब्लश अप्लाई किया था.
And on the center of my face, that is on the apples of my cheeks, I'll be using Velvet Crush Blush by Too Faced. This is such a beautiful baby pink blush color. Of course, nose aur chin pe bhi apply karne wali main blush color. Ek bronzer product se contour karne wali hu apne face ko. So maine contour brush mein ye gobi shade pick kiya. This is by Makeup Revolution. And going to place this jahan pe maine apna darker blush ka color apply kiya tha na, wahan pe halka halka sa to give that shadow effect. And can you see the difference after contouring my face? Jab bhi aap apne face ko contour karte ho na, you look so defined. Mostly I like to do it for pictures. पिक्चर्स में ना आपका डिफाइंड लगता है, फेस अच्छा दिखता है. आई ऑल्सो लाइक टू कॉन्टोर बैक ऑफ माई ईयर्स. नोज को अच्छे से कॉन्टोर किया, फिर अपनी स्पॉन्ज की मदद से ना थोड़ा सा रिड्यूस किया जो हार्शनेस दिख रहा था मेरे कॉन्टोर का. एंड देन ऑन द फ्लैट साइड ऑफ माई स्पॉन्ज आई एम गोना पिक द ट्रांसलूसेंट पाउडर एंड गोइंग टू कार्व द ब्लश कॉन्टोर लाइन. अगेन द फेस इज गोना लुक सो चिज़ल्ड, गोइंग टू लुक सो गुड ऑन पिक्चर्स. मैं ज्यादा देर तक इसको रखना पसंद नहीं करती हूँ, फ्लफी ब्रश की मदद से मैं इसे सब कुछ ब्लेंड कर दूंगी. एंड देन आई एम गोना सेट माई एंटायर फेस यूजिंग माई सेटिंग स्प्रे. आई एम गोना सेट माई फेस ट्वाइस, दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम सेटिंग. Going to fan my face with the help of my fingers. Mascara apply करने से पहले lower lash line के shade को मैं deepen कर रही हूँ. And then I'm going to do my eyebrows. सबसे पहले spoolie की मदद से I'm going to comb through my eyebrows. And then using my eyebrow pencil, I'm going to fill up the sparse area of my eyebrows. So मैं हल्की हाथों से छोटा-छोटा stroke लेके अपने eyebrows को fill कर रही हूँ. मैं सामने-सामने ज़्यादा fill नहीं करती, ज़्यादा focus अपने tip पे रखती हूँ मैं. You know मुझे काफी बार comments आते हैं, your eyebrows are not even, Shalini. I know that fact. Anyway, your eyebrows are supposed to look like sisters, not twins. You know. Next time I'm going to curl my eyelashes and going to apply waterproof mascara. This is by L'Oreal Paris. A good mascara can really change the game for the eyelashes. I applied a couple of coats and you can see the difference on the left and the right eye. Anyway, apply the same mascara dusre side pe bhi and going to apply that on my lower lash line as well. Jab main lower lash line pe apply kar rahi thi, I realized ki I'm off focus. It's okay, thoda thoda clip off focus hua hai. And then without picking extra product on my wand, jo bhi product bach bhi gaya na wand mein wo bhi main remove kar rahi hu. And then I'm going to set my eyebrows. Going to feather my eyebrows with this. Main apna eyebrow mascara le jana bhul gayi. This is the trick that I'm using. And then using champagne gold highlighter in my pencil brush, I'm going to highlight the inner corner of my eyes and also the bridge of my nose and my eyebrow arc area. फिर मैं अपने काजल की मदद से inner corner को tight line कर रही हूँ. This is gonna add that oomph factor to the eye look. ये trick करने से ना eyes और निखर के आती है. आप लोग देख सकते हो मैंने V create किया है inner corner पे and look at my eyes. Next मैंने fan brush में highlighter pick किया. I'm going to apply that on the highest point of my face, that is my cheekbone area. उसके बाद मैंने और blush add किया अपने nose pe and then I'm gonna set my entire face again. This is the second time I'm setting my face and going to fan my face with the help of my fingers. Lips ke liye main use kar rahi hu Wet n Wild lip liner in the shade Chestnut. I know this shade is out of stock everywhere. Iska ek alternative main aapko description box mein de dungi. And then I'm gonna use the shade Rani Sa by My Hues. Ab ye wala shade use karne ke baad maine realize kiya na ye bahut hi zyada mauve pink ho raha hai lips and I want little bit of hint of brown, so I added another lipstick color. This is called Blissful Mocha by Eba Cosmetics. Thoda sa dry hone ke baad I'm gonna purse my lips together and this is the final result. The lipstick is just so apt for the eye look. Let us finish the jewelry outfit and hair, and with the power of editing, here I am with the complete avatar. It is such a easy to do smoky eye makeup look. Base high coverage to hair but bilkul bhi cakey nahi feel ho raha hai ya lag raha hai face pe. I did this look for my friend Riya's engagement ceremony. She's a Malayali, so excited for her wedding as well. Mujhe definitely batana comment section mein aapko ye look kaisa laga aur aapko kuch naye tips or tricks seekhne ko mile honge. मैं उम्मीद करती हूँ. ऑन दैट नोट आई एम गोना सी यू गाइस प्रीटी सून विद ब्रांड न्यू कंटेंट ऑन माय चैनल. बाय एवरीवन, आई लव यू.